आता है 49, 29 पहले आता है कि 30 पहले आते हैं, 29 पहले आते हैं ना, तो सर्कल भी उन्होंने 29 को किया हुआ है, तो वो जो चीज़ सर्कल हुई होगी आपने वो देखना है कि वो बिफोर है कि आफ्टर है, ठीक है, फिर आप उसको वहाँ पे उस साइड पे टिक कर दोगे। अब आगे लिखा हुआ 9999 और एक लिखा हुआ 9998, तो 99 बढ़ी हुई कि 98, एक तो 99 बढ़ी होगी और सर्कल भी उन्होंने 99 वाली को किया हुआ है। अब वो जो उस वो कौन सी है, बिफोर होगी कि आफ्टर होगी, 98 पहले आता है कि 99 आता है, 99 आता है ना वो बाद में आता है, तो वो इस वजह से आफ्टर वाले हिस्से मतलब सक्सेसर वाले हिस्से में आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है 8119 और आगे लिखा हुआ है 8120, तो 19 पहले आता है कि 20 बाद में, 20 आता है, 19 पहले आ जाता है और सर्कल 19 वाला हुआ है तो 19 पहले आ जाता है, मतलब वो बिफोर होगा, पहले आ जाता है, ठीक है, तो वो हम लोग इसलिए बिफोर लिख देंगे और प्रेडिसेसर के साथ हम लोग उसमें उसके हिस्से में टिक लगा देंगे। इसी तरह आगे आ जाएंगे 21490, इसी तरह उसमें और दूसरी लिखे हुए 490 लिखी हुई है इधर, 489, तो बड़ी यही वाली पहले कौन सी आती है, 489 आती है कि 89 वाली आती है, तो उसने इसको सर्कल किया, वह कह रही है कि ये बिफोर आएगा कि आफ्टर आएगा, हमारे पास ये क्या आएगा, बिफोर, ये पहले आती है तो इसलिए ये बिफोर वाले में आ जाएगी। फिर आगे आ जाएंगे, फिर उसमें आ जाएगा 30690 और 30691, तो जो है ना इसमें हमारे पास जो सर्कल हुई हुई है वो 91 हमारे पास बाद में आती है, इसलिए वो आफ्टर वाली में आ जाएगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट वन वाला है उसमें 129 130, तो 129 पहले आता है, मतलब वो बिफोर में आता है, तो वो पहले आ जाएगी इसमें। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में लिखा हुआ है 80003 और 80004, तो 4 वाली सर्कल हुई हुई है, मतलब वो बाद में आती है ना, 3 पहले आता है और 4 बाद में आता है, तो आफ्टर वाली में वो, इसलिए सक्सेसर में उसमें टिक आ जाएगा। ठीक है क्लास, ये था आपका लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।